अमेरिका रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास ऐसे ऐसे मिसाइल था जो दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम था, और भारत के पास एक अच्छा मिसाइल भी नहीं था जिसके वजह से भारत को धमकियां पर धमकियां मिलता था। फिर एंट्री होता है हमारे सुपर हीरो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम सर का, और कलाम सर दिन रात मेहनत करके मिसाइल पर मिसाइल बनाते गए और कुछ ही सालों में भारत के पास हर एक तरह का मिसाइल बनकर तैयार हो गया। लेकिन हमारे पास अमेरिका रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पावरफुल मिसाइल जैसा मिसाइल नहीं था जिसका रेंज एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलाम सर फिर से रिसर्च करने में लग गए और 1989 में अग्नि मिसाइल को बनाकर तैयार कर दिए जिसका रेंज रूस और अमेरिका तक था। इसके बाद भारत को चाहिए था परमाणु बम, जिसके बाद कलाम सर काफी रिसर्च करने के बाद अपने टीम के साथ मिलकर कड़ी मेहनत से पूरी दुनिया से छुपकर पोखरण में परमाणु परीक्षण को सफल बना दिए, जिसके बाद भारत से सभी देश डरने लगे। इसलिए इलोन मस्क ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि 90s के जमाने में भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे कमजोर देश माना जाता था, लेकिन हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में टॉप 10 के लिस्ट में शामिल करा दिए। और 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 रॉकेट के सहायता से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास बना दिया। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क ने एक नया रॉकेट बनाकर तैयार किया जिसका नाम है फाल्कन 9। इस रॉकेट के सहायता से SpaceX एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास बना दिया। लेकिन ये रिकॉर्ड सबसे पहले भारत ने बनाया था, और याद उसी को किया जाता है जो सबसे पहले बड़ा टारगेट को हिट करते हैं। और अभी इसरो के सामने SpaceX कुछ भी नहीं है।